दोस्तों, साहबानों का केस केवल एक ऐसा मुकदमा भर नहीं है जिसमें मुस्लिम औरतों को 3 तलाक के बाद मेंटेनेंस दिलवाया। यह एक ऐसा मुकदमा था जिसने कांग्रेस के छद्म सेकुलरवाद को नंगा कर दिया, जिहादी मानसिकता को सबके सामने उजागर किया और भारत के इतिहास की सबसे शक्तिशाली सरकार के सबसे युवा प्रधानमंत्री मिस्टर क्लीन को 70 साल की बुजुर्ग महिला साहबानों के चरणों में नतमस्तक कर दिया। इस मुकदमे ने मुस्लिम समाज की, भारतीय न्यायपालिका की, राजनीति की और कांग्रेस की कई मक्कारियों को जनमानस के सामने उजागर किया। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं फैक्ट शीट। लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। सन 1932 में साहबानों का निकाह मोहम्मद अहमद खान से हुआ था। मेहर की रकम तय की गई थी 3000 चांदी के सिक्के। ध्यान से सुनिए, 3000 चांदी के सिक्के। मोहम्मद अहमद खान पेशे से वकील थे, इसलिए गुजारिश है फैक्ट पर ध्यान दीजिए। मोहम्मद अहमद खान पढ़े लिखे और अमीर होने के बावजूद भारतीय मुस्लिम रेट से धड़ाधड़ 5 बच्चे पैदा किए और साहबानों से निकाह के 14 साल बाद ही एक दूसरी कमसिन जवान लड़की से निकाह कर लिया। इस्लाम के हिसाब से उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। इस्लाम में 4 बीवियां रखना जायज है, उनकी तो केवल दूसरी थी। एक घर में तो अक्सर देवरानी जिठानी में नहीं पड़ता, यहाँ तो मामला सौतन का था। सौतन के साथ कैसा व्यवहार होता है इसे मुसलमानों से बेहतर कोई नहीं जानता। सबको पता है मोहम्मद साहब का निकाह 9 साल की आयशा से हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के तुरंत बाद पहली बीबी की कब्र खोद के बदला लिया गया था। खैर, साहबानों की स्थिति उस घर में धीरे धीरे काम करने वाली बाई की हो गई, लेकिन 5 बच्चों के भरण पोषण का जिम्मा साहबानों को घर की दहलीज से बाहर निकलने नहीं दिया। समय बीता और साहबानों के बच्चे बड़े हो गए और मेहनत मजदूरी करने लगे। अब साहबानों के सब्र जवाब देने लगे। साहबानों की शादी अमीर परिवार में एक वकील से हुई थी, जिसकी 1970 आते आते अच्छी खासी इनकम थी, आज के हिसाब से लगभग 20 लाख रुपए सालाना। लेकिन साहबानों के बच्चे न पढ़ पाए और न ही नौकरी मिली। मजदूरी करते बच्चों की मां साहबानों का पति अहमद खान से तकरार बढ़ने लगा और इसी तरह के विवाद के कारण 1975 में पति मोहम्मद अहमद खान ने 5 बच्चों के साथ साहबानों को घर से बाहर निकाल दिया। समाज के दबाव के कारण साहबानों और उनके बच्चों को घर बनाने के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिला। बच्चों ने मिलकर मिट्टी छप्पर का घर बनाया और टेम्पररी रहने लगे। लड़कों को लगा कि अब्बू की नाराजगी कुछ दिन में दूर हो जाएगी, लेकिन वकील साहब तो 200 रुपए महीने देने से भी मुकर गए, जिसका उन्होंने वादा किया था सामाजिक दबाव में। साहबानों की समस्या यह कतई नहीं थी कि वो पति से अलग कर दी गई थी। साहबानों का पति तो कई साल से केवल ईद के दिन 5 से 10 मिनट के लिए मिलने आता था। साहबानों जो अब लगभग 60 वर्ष की थी, पति द्वारा घर से निकाले जाने पर बेइज्जती महसूस कर रही थी। उसे अब ना तो 200 रुपए की चिंता थी और ना ही अपने बच्चों की, उसे बस शर्मिंदगी खाए जा रही थी। इंतजार में 3 साल गुजर गए, लेकिन मोहम्मद अहमद खान को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। 1978 में ईद के मौके पर साहबानों के बड़े लड़के ने अपने अब्बू से अम्मी को और उन सबको माफ करने की गुजारिश की, लेकिन वकील अहमद खान ने सबके सामने 35 साल के बेटे को तमाचा जड़ दिया और भरी पब्लिक के सामने 62 वर्षीय साहबानों को तलाक 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 3 तलाक दे दिया। साहबानों को लगा कि उसे केवल तलाक नहीं दिया गया है, उसे भीड़ के सामने उसके पति ने ही निर्वस्त्र कर दिया है। अगले 2 महीने तक खटिया पकड़कर लेटी रही, समाजमुख दर्शक बना रहा, मौलवी मौलाना कोई नहीं आया उससे मिलने, उसे न्याय दिलाने। अब बारी थी साहबानों की। उस बूढ़ी औरत के पास कुछ नहीं था खोने को, शायद वकील साहब तलाक देते समय मेहर के बारे में भूल गए थे। साहबानों गई मौलानाओं के पास मेहर की रकम के लिए, लेकिन एक अमीर आदमी के खिलाफ जाने की हिम्मत मौलाना साहब भी नहीं कर पाए। धर्म से हारी साहबानों अब संविधान की शरण में पहुंची।
1978 के नवंबर महीने में साहबानों ने अपने पति मोहम्मद खान के खिलाफ गुजारा भत्ता के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत इंदौर की जिला अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। एक और मुकदमा दायर किया साहबानों ने मेहर की रकम 300 चांदी के सिक्कों के लिए। अगस्त 1979 में जिला अदालत ने साहबानों के पक्ष में निर्णय देते हुए मात्र 25 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता के लिए मुकर्रर कर दिया। उस समय के कानून के हिसाब से 500 रुपए तक गुजारा भत्ता दिया जा सकता था, लेकिन जज साहब ने 25 रुपए ही उचित समझा। साहबानों ने इस अन्याय के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील किया और 1 जुलाई 1980 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता को बढ़ाकर 179 रुपए 20 पैसे प्रतिमाह कर दिया, जो मोहम्मद अहमद खान की सालाना कमाई का लगभग 3.5% था। केवल 3.5% भी वकील अहमद खान को नागवार गुजरा और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इस फैसले को रद्द कराने के लिए। मोहम्मद अहमद खान ने तर्क दिया कि शरिया यानी इस्लामी कानून के तहत गुजारा भत्ता का कोई रिवाज नहीं है। माई लॉर्ड, मेरी दूसरी बीवी भी है और उसके बच्चे भी हैं, और मुसलमान होने के नाते सीआरपीसी की धारा 125 या 127 उस पर लागू नहीं होती। शरिया बेचारा खतरे में था, सो जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट इंटरवीनर के तौर पर। जस्टिस मुर्तजा फजल अली और जस्टिस वरदराजन की पीठ को पता चला कि जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर पहले ही गच्चा दे गए हैं। भाई ताहिरा बनाम अली हुसैन के मामले में जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर की एकल पीठ ने 1979 में और फजलुन बी बनाम के खादर वली मामले में 3 सदस्यीय पीठ ने जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर की मौजूदगी में निर्णय दे चुकी थी कि मुस्लिम औरतें भी सीआरपीसी की धारा 125 व 127 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। रायता फैलता देख जस्टिस फजल अली और जस्टिस ए वरदराजन की पीठ ने 3 फरवरी 1981 को यह मामला 5 सदस्यीय पीठ को भेज दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इस पीठ ने साहबानों के पक्ष में निर्णय दिया और तत्कालीन सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि संविधान की धारा 44 डेड लेटर बनी हुई है और सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने को कहा। मोहम्मद अहमद खान के तर्क का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल सिविल मामले ही शरिया के हिसाब से चलाने का अधिकार है, जबकि गुजारा भत्ता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 125 के तहत आता है, जो भारत के सभी नागरिकों पर बिना किसी जाति धर्म या वर्ग के भेदभाव के लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क देते हुए कुरान की आयत को भी कोट किया और कहा कि किसी तलाकशुदा औरत को भरण पोषण के गुजारा भत्ता देना इस्लाम धर्म के अनुकूल है। राजनैतिक पंडितों का मानना है कि इसी पॉइंट की वजह से जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को राजनीति करने का मौका मिल गया। दोस्तों, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है ये अपोलोजिस्ट तरीका है जिहादी कृत्यों को कोई कारण देकर सही ठहराने का। उदाहरण से समझिए आप लोग, अभी कुछ दिन पहले यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत उलमा हिंद के लोग सीएए का विरोध कर रहे थे। जब इनसे पूछा गया कि भाई पाकिस्तान से कौन सा मुसलमान भारत आना चाहता है जिसका एक समूह के रूप में प्रताड़ना हो रही हो, तो ये जिहादी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे अहमदिया मुसलमान, अहमदिया मुसलमान। इनकी मक्कारी का इससे बड़ा और नया सबूत नहीं मिलेगा। चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या हिंदुस्तान की कोई भी सुन्नी देवबंदी संस्था हो, सब अहमदिया मुसलमान को ना तो मुसलमान मानते हैं और ना ही उनको अपने धर्म में एक वर्ग की तरह मान्यता देते हैं, लेकिन उनके नाम पर संविधान बचा रहे थे। खैर, 23 अप्रैल 1985 को निर्णय आते ही इस्लाम खतरे में आ गया। चीख पुकार मच गई। एक औरत को पूरे 169 रुपए 20 पैसे प्रतिमाह का गुजारा भत्ता कैसे मिल सकता है? उसने आखिर खान साहब के लिए किया क्या है? केवल 5 बच्चे ही तो पैदा किए हैं, 40 साल खाना कपड़ा बर्तन ही तो किए हैं। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला 2 चीजों के लिए काफी फेमस है। पहला तो सुन्नी मौलाना और दूसरा इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों के लिए। आजमगढ़ की पैदाइश सुन्नी बरेलवी नेता
उबैदुल्ला खान आजमी ने इस्लाम को बचाने के लिए आवाज बुलंद किया। आजमी के भाषणों की कैसेट बांटना और बेचना शुरू कर दिया गया। याद रखिए इस नाम को, क्योंकि मलाई केवल इसी आदमी ने खाई है। 1984 में प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है। बदले के रूप में देश भर में 4000 और केवल दिल्ली में कांग्रेसी सत्ता के देखरेख में 3000 सिखों का नरसंहार कर दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका ने 1979 से लेकर लगभग 1990 तक तालिबानी आतंकवादियों को सपोर्ट किया था रूस के खिलाफ, और 2001 में इन्हीं आतंकवादियों ने अमेरिका पर हमला कर 3000 से अधिक लोगों को मार दिया था। एकदम सिमिलर केस है। 1969 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को तोड़ा और कांग्रेस आर, और 1970 में कांग्रेस इंदिरा बना लिया। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश बनाया। विजय के इस शुभ अवसर पर लोकसभा चुनाव करवा लिया गया और फिर सत्ता इंदिरा गांधी के हाथ लगी। लेकिन इंदिरा गांधी को लगा कि पाकिस्तान विजय पर भारत का मुसलमान एक मुश्त उन्हें वोट नहीं दे रहा है। इंदिरा गांधी ने अपनी चालें चलनी शुरू की। 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नामक एक एनजीओ का गठन किया गया। 1974 में संविधान को सेकुलर बना दिया गया। संजय गांधी ने नसबंदी कानून लाकर जनसंख्या रोकने की कोशिश की। सबसे ज्यादा नाराज मुसलमान हुआ और शाहबानो केस ने मौका दे दिया। 1984 में हुए चुनाव में सहानुभूति की लहर चली और कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 409 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया। आज तक के सबसे कम उम्र के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मिस्टर क्लीन की इमेज बनाने की कोशिश शुरू की। नई राजनीति और टेक्नोलॉजी का दौर प्रारंभ हुआ। 23 अप्रैल 1985 को शाहबानो केस में निर्णय आया और अगस्त में मानसून सत्र में सरकार की तरफ से राजीव गांधी सरकार में राज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जोरदार समर्थन किया। सरकार ने इरादा स्पष्ट कर दिया था कि जिहादियों के सामने झुकना नहीं है। असम, पंजाब और उड़ीसा राज्यों में नवंबर दिसंबर में उपचुनाव होना था कुछ रिक्त हुई सीटों के लिए। जोर अजमाइश शुरू हुई। जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रैलियां निकालनी शुरू की। बिहार में एक रैली में देश भर के लगभग लाखों लोग इकट्ठा हुए। उपद्रव मच गया। मुंबई में बड़ी रैली हुई। मुंबई को जाम कर दिया गया। उपचुनाव में कांग्रेस की हार हुई। हार की वजह दो थी। एक तो पंजाब में 1984 में बाकी राज्यों के साथ चुनाव नहीं हुआ था आतंकवादी गतिविधियों के कारण। सिखों के नरसंहार के कारण कांग्रेस का हारना तय था। असम में हार का कारण मुस्लिम आंदोलन था। बंगाल में मुस्लिम पहले ही कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जा चुका था। जो थोड़ा बहुत बचा था वो आंदोलन की वजह से चला गया। इस हार से भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मिस्टर क्लीन ने जिहादियों के सामने घुटने टेक दिए। उधर साहबानो के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया गया। देश भर से मौलवी मौलाना, यहां तक कि सऊदी अरब से मौलाना आए साहबानो को ये समझाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शरिया के खिलाफ है। साहबानो नहीं मानी। इंदौर में रैली निकाली गई। 1,00,000 लोग शामिल हुए। इस रैली को साहबानो के घर के सामने से निकाला गया। साहबानो डर गई। इतने लोग अगर एक एक कंकड़ भी फेंकेंगे तो उसका घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। वैसे तो शरिया के उल्लंघन पर पत्थर मारने की प्रथा है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने नजीर पेश करना था। एक भी पत्थर नहीं चला, केवल डर पैदा किया गया। राजीव गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव, एमजे अकबर और नजमा हेब्दुल्ला के सुझाव एवं मार्गदर्शन में अपनी गोटियां चलनी शुरू की, या कह लीजिए मजहब और राजनीति के राक्षसी विवाह की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत वालों को इस बात पर राजी किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदला जाएगा तो अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोला जाएगा और हिंदू वहां पर पूजा शुरू कर देंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तैयार हो गया। कांग्रेस नेता व सांसद सैयद शहाबुद्दीन साहबानो से मिलने इंदौर गए। साहबानो अपने बड़े लड़के जमील खान के साथ प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बुलावे पर दिल्ली राजधानी पहुंची। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, नौजवान प्रधानमंत्री, लंदन रिटर्न प्रधानमंत्री 70 साल की बुजुर्ग महिला से 179.20 रुपए न लेने की गुजारिश करता है। ये कौन सी संस्कृति सीख के आए थे ये पता नहीं,
ये हिंदू संस्कृति तो नहीं हो सकती। गृह सचिव आरडी प्रधान ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ऐसा ना करने की सलाह दी थी, लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजीव गांधी ने सबसे पहले दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण प्रारंभ करवाया। संसद में मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 पास कराया गया और अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवा दिया गया। उधर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर साहबानों ने इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मिले गुजारे भत्ते को शरीयत और इस्लाम के खिलाफ मानते हुए लेने से मना कर दिया। साहबानों ने मेहर के रूप में 3000 चांदी के सिक्कों के लिए जो मुकदमा किया था उसे भी वापस ले लिया। साहबानों के लड़कों ने जिहादियों द्वारा दी जा रही सहायता राशि और नौकरी को भी नहीं स्वीकार किया। उनके लिए लड़ाई पैसों की नहीं थी, नौकरी के लिए नहीं थी, लड़ाई थी बुजुर्ग माँ के सम्मान की जिसे वह हार चुके थे। वह असहाय महसूस कर रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान साहबानों के आत्मसम्मान की रक्षा करने में असफल हो चुका था। देश की सबसे शक्तिशाली कट्टर मुल्लाओं के साथ खड़ी थी। मिस्टर क्लीन ने कांग्रेस की इमेज पर बट्टा लगा दिया था, लेकिन उस समय सब खुश थे साहबानों के अलावा। हिंदू समाज दूरदर्शन पर रामायण देखकर खुश था। राम मंदिर का ताला खोला जा चुका था। भाजपा भी खुश थी, उसे हिंदुओं को एकजुट करने का मुद्दा मिल चुका था। कम्युनिस्ट भी खुश थे क्योंकि मुसलमानों का एक टुकड़ा कांग्रेस छोड़कर उनका समर्थक बन चुका था। सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस की खिलाफत करने वाला मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी को राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया था। वो अब लोकतंत्र बचाने में लग गया था। महिला अधिकारों की किसे पड़ी थी? 3 तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं का गुजारा कैसे होगा इसे सब भूल चुके थे। पत्रकार सतीश जैकब कहते हैं कि अगर राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना पलटा होता तो बाबरी मस्जिद न टूटी होती, मुंबई में हिंदू मुस्लिम दंगे न हुए होते, मुंबई में 2000 लोग न मारे गए होते, 1993 का बम ब्लास्ट न हुआ होता, 300 लोग न मारे गए होते और भारत में भारतीय मुसलमान को आतंकवादी बनाने की प्रक्रिया से रोका जा सकता था। राजीव गांधी सरकार में मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और कुछ मुसलमान नेताओं ने इस तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध किया था, लेकिन परिणाम बताते हैं कि जिहादी ज्यादा सफल हुए। 16 साल बाद सन 2001 में साहबानों के वकील ने राजीव गांधी सरकार द्वारा बनाए गए मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स्ड वुमेन एक्ट 1986 को चुनौती दी, जिसे डेनियल या दानियल लतीफी केस के नाम से जाना जाता है। केंद्र में अटल बिहारी सरकार ने कानून को बचाने की कोशिश नहीं की और सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को फिर से पुनर्स्थापित करने में सफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को अवैध तो घोषित नहीं किया, लेकिन शब्दों के मायाजाल में घेर कर एक्ट को निष्प्रभावी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है वो केवल इद्दत पीरियड से संबंधित है। इद्दत के बाद मुस्लिम औरतों के बारे में इस एक्ट में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए 3 तलाक दिए जाने पर इद्दत का समय पूरा होने के बाद मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 और 127 के तहत गुजारा भत्ता की हकदार हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की, या कह लीजिए मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़ा हुआ। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में किसी नई कहानी और नए परिप्रेक्ष्य के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।